हालेलुया, प्रेज गॉड. साल नए साल के लिए मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और प्रभु का शालोम आप सभी के लाइफ में बनी रहे. आमेन. तो एक दो दिन पहले मेरे दिमाग में एकदम से ये एक रेवोल्यूशन आया एंड मैं बहुत खुश हो गई कि प्रभु मेरी ज़िंदगी में आए और उन्होंने इतने अच्छे कार्य किए. तो 2011 में मैंने प्रभु को अपनाया. तो प्रभु में आने से पहले मैं अपनी लाइफ के बारे में मतलब सोच रही थी कि हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हमेशा रही हैं. और मतलब बिफोर लॉर्ड में मैं आई, उससे पहले मैं हमेशा दिमाग में मेरे यही चलता रहता था कि मुझे नौकरी करनी है और अपनी लाइफ अच्छी करनी है. तो जब मैं क्या कहते हैं मतलब पास मतलब अपने पढ़ाई पूरी ख़त्म की और हाँ लॉर्ड में आने से पहले मैं हमेशा एक चीज़ एक नेगेटिव उसमें हमेशा चलती रहती थी कि जब भी मेरा नंबर आता है सब कुछ गड़बड़ी हो जाती है, जब भी मेरा नंबर आता है सब कुछ गड़बड़ हो जाता है. तो जो भी है, मैं जब मतलब पास मतलब अपने पढ़ाई पूरी की, जब उसके बाद एकदम से रिसेशन चालू हो गया, मुझे नौकरी मिलनी इतनी मुश्किल हो गई थी. और तब भी मैं यही कह रही थी, अब मेरा नंबर आया नौकरी करने का और सब गड़बड़ हो गया. जो भी है, दो साल बाद मुझे नौकरी मिल गई, मतलब थोड़ी डिसेंट नौकरी मिल गई और मतलब चीज़ें ठीक होने लगी. फिर मेरे को HCL में जॉब मिला. HCL से फिर मैं विप्रो में गई, जहाँ पर मैं लॉर्ड से मिली. तो विप्रो में जाने से पहले मैंने जो दो साल मेरे जो नौकरी बिना नौकरी के बीते थे उसमें मैंने मतलब किया था, कभी नहीं किया था. तो वो मैंने ऐसी झूठी फर्जी एक्सपीरियंस लेटर दिखाया था विप्रो में, जिससे मुझे ज़्यादा सैलरी मिले. तो उसके बाद जब मैंने लॉट को अपनाया तो मैंने मैं वो पार्ट भूल गई थी कि मैंने मतलब गलत एक्सपीरियंस लेटर दिया है. और उसके बाद जब मैंने लॉट को अपनाया फिर ये वाली प्रॉब्लम आई. और फिर मैंने वो मेरा फर्स्ट मतलब था कि मैं लॉट के साथ पहला मेरा एनकाउंटर था. लॉट मेरे को हमेशा कहते थे कि आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू, आई एम नॉट गोइंग टू फोरसेक यू. और मैं उस प्रॉब्लम से आगे बढ़ गई. तो कहने का मतलब ये है कि जब उस समय अगर लॉट मेरे साथ नहीं होते तो मतलब मैं शायद फिर से गिव अप कर चुकी होती अपनी लाइफ से, पता नहीं क्या क्या हो जाता. तो लॉर्ड ने एकदम से मुझे कैच कर लिया. मतलब लॉर्ड को पता था, आगे उन्होंने आगे चलकर देख लिया था कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम आएगी, इसलिए वो पहले ही मेरी लाइफ में आ गए. सिमिलरली जब मेरी 2017 में शादी हुई, तो मेरे शादी का जब मेरी शादी हो मतलब मैंने शादी होने से पहले लॉर्ड को हर कोई भी रिश्ता आता था मैं लॉर्ड को यही कहती थी, नॉट माई विल बट योर विल शैल बी डन. तो जिससे मेरी शादी हुई, मेरी स्टार्टिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी. मैंने तब भी गिव अप करना मतलब शुरू कर दिया था ऑलमोस्ट. और लॉर्ड मेरे को तब भी यही मतलब कहते रहते थे हमेशा कि आई एम गोइंग टू रिस्टोर योर मैरिज, ट्रस्ट इन मी. मैंने उनको अपने उनको उनके विल के अकॉर्डिंग वो शादी की थी. तो इसीलिए मतलब फिर मतलब मेरे मम्मी पापा इतने स्पिरिचुअली तब बड़े नहीं थे. उस समय पास्टर अखिलेश जी के चर्च में भी नहीं आए थे. तो लॉर्ड ने एकदम से एक रास्ता दिखाया, पास्टर अखिलेश जी के चर्च से कनेक्ट करवाया और काफ़ी मोटिवेशन और काफ़ी ग्रोथ आई है. मेरी मैरिज रिस्टोर होने लगी है. तो उसके लिए मैं अगेन मैं वही चीज़ देखती हूँ कि मैं उसमें भी फिर से दर्द भरी खाई में गिरने वाली थी कि लॉर्ड ने फिर से कैच कर दिया, फिर से एक रास्ता दे दिया. तो कहने का मतलब ये है, मैं आप लोगों को भी इसी चीज़ की मोटिवेशन देना चाहती हूँ कि आप लोग अपनी लाइफ में जिस किसी भी स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, आप गिव अप मत कीजिए, क्योंकि अगले ही रास्ते में अगले ही मोड़ में रोल आपके लिए हेल्प लाने वाला है. आमेन. हालेलुया.